अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मारिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सवेरा खान। मैं हूं अंबर। मारिया और अंबर हो गए जी, कुछ दिनों पहले कुछ और थे। मारिया रे, हां अंबर रे, याद आया? ठीक है, भूल गए थे क्या? ज्यादा भूल गए। नहीं नहीं, भूले मेरी कास्ट क्या है, देखते हैं क्या वीडियो है। देन दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी 96% आबादी मुसलमान है। जब किसी भी मुल्क में किसी एक मजहब के लोगों की इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है तो उसके नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। एक फायदा इसका यह होता है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी यानी कि मजहबी नजरिया कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है। एक बड़ा नुकसान इसका यह है कि ऐसे मुआशरों में दुनिया को लेकर रवैया, नजरिया और विजन काफी तंग नजर होता है। सोच के फर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और चूंकि सबका बिलीफ सिस्टम एक जैसा होता है लिहाजा ऐसा लगता है कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया भी वैसा ही सोचे। सच्चाई यह है कि हमारे मुल्क के मुसलमानों में बचपन से ही एक इंट्रिंसिक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को परवान दी जाती है। हमें लगता है कि हम ही सच्चे हैं, हम ही हक पर हैं, हमारा ही अकीदा दुरुस्त है, हम ही बेहतरीन हैं, हम ही मोमिन हैं, और बाकी सारी दुनिया जहन्नुम वासिल है। अंग्रेजी जबान में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म। मेरा इस डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इनफैक्ट दीन इस्लाम भी यह कहता है कि आप सब लोगों में से अफजल वो है जिसका कैरेक्टर बुलंद है। आज की दुनिया में अफजल या सुपीरियर वो है जिसके पास इल्म है, नॉलेज है, विजडम है, जिसकी सोच प्रोग्रेसिव है और जो दुनिया के साथ हाथ मिलाकर चलता है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। यानी कि नई नई इन्वेंशंस, इजादात, डिस्कवरीज के जमाने में वो लोग जो ये इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे हैं, दरअसल दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, वही इस दुनिया के लीडर्स हैं। लिहाजा अब हमें एनालिसिस ये करना है कि क्या वाकई में मुसलमान सुपीरियर हैं या फिर हम लोग अपनी ही जात के अंदर अंजुमन बन बैठे हैं। मैंने इस सवाल को लेकर थोड़ा सा एनालिसिस किया तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिर्फ हमारा भरम है। मुसलमान शायद इस वक्त दुनिया की सबसे पिटी हुई कौम है, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। इसकी सबसे बड़ी दलील गाजा के वो बेचारे मासूम बच्चे, औरतें और मर्द हैं जिनको हजारों की तादाद में इसराइल ने मार दिया है। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क की जरूरत नहीं है कि इसराइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट ही दे दे। 85 लाख की आबादी का छोटा सा मुल्क इसराइल, जो चारों तरफ से दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान ममालिक से घिरा हुआ है, लेकिन बुजदिली का ये आलम है कि KFC, मैकडोनल्ड्स और पेप्सी को बैन करके हमें लगता है कि हमने एक बहुत अजीम फरीजा सर अंजाम दे दिया है। इसराइल इसराइल, यहूदी यहूदी हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपने वाकई में इसराइल को बैन करना है ना, तो आपके पल्ले कुछ रह ही नहीं जाना, क्योंकि दुनिया की हर मेजर इजाद यहूदियों ने की है। करें ना बैन जरा अपने कंप्यूटर में चलने वाली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, जिसकी मेजर रिसर्च इसराइल में हुई। करें ना बैन जरा आपके कंप्यूटर में डलने वाली इंटेल चिप को, जिसकी अगेन रिसर्च और डेवलपमेंट इसराइल में हुई। करें जरा बैन अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को, जिसकी डेवलपमेंट में इसराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यह हाल है कि 1901 से लेकर 2024 तक नोबेल प्राइज को 124 साल हो गए। इन 124 सालों में सिर्फ 3 मुसलमान साइंसदान हैं जिनको ये प्राइज मिला है। इनमें से एक हैं डॉक्टर सलाम, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नॉन मुस्लिम है। एनीवेज, हम लोग डी ट्रैक हो जाएंगे क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। मुद्दा ये है, इशू ये है कि अब मुसलमानों ने करना क्या है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मुसलमानों का असल में डिक्लाइन तनजली तब स्टार्ट हुआ जब लोगों ने माकूलात की बजाय मनकूलात को बिलीव करना शुरू कर दिया, रिलीजियस डॉगमेटिज्म को अपना लिया। इंसान का जहन इस्तेमाल करने की बजाय लोगों ने मजहबी तोहम परस्ती को अपनाना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जब 1436 के अंदर योहानेस गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया, तो उस जमाने के जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट करने की बजाय इसे गैर शरई अमल करार दिया। इस प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। किताबें अब पब्लिश होना शुरू हो गई और मास लेवल पर लोगों ने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। इन्हीं किताबों की वजह से रीबर्थ ऑफ लर्निंग हुई। लोगों ने अपनी अकल, रीजन, लॉजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
जबकि मुसलमान दूसरी तरफ गैर इल्मी के अंधेरों में डूब के रह गए। मिलिटैरिली भी मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले गए, जिसकी वजह से फॉरेन फोर्सेस ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जब सोच इज्तिहादी की बजाय तकलीदी होती है ना, तो वही हाल होता है जो आज मुसलमानों का है। अब सवाल यह है कि अब हमें करना क्या है? देखें, इसका जवाब बहुत ही सादा है। हमें अपना इंटेलेक्चुअल ऑडिट करना है, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल लिफ्टमेंट करनी है। इनफैक्ट हम जिस इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का शिकार है ना, हमें पूरा सिस्टम और अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा। इल्म हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करनी होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों कुरान का जितना मैंने मुताला किया है या इंटरप्रिटेशन की है, उसके मुताबिक साइंसी तहकीक दर असल खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। हम लोग मौलवियों के चक्कर में आके दीनी और गैर दीनी तालीम में फंसे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि गैर दीनी तालीम भी कोई चीज होती है? फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ साइंस हो, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और जिस तरह मैंने आपको स्पिनोजा वाली वीडियो में बताया था ना कि इन फिजिकल लॉज के अंदर ही खुदा है, लिहाजा इनको अंडरस्टैंड करना दरअसल आपको दीन के करीब ले जाता है। ये जो हमारे अंदर इनबिल्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको पीछे छोड़कर इल्म के मैदान में दुनिया से कंपीट करना पड़ेगा। हर बंदे के लिए उसका मजहब बेस्ट है और बेहतरीन है। दुनिया में कोई एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो ये साबित कर दे कि ये वाला मजहब जो है ये सबसे बेस्ट है। लिहाजा मजहब के मामले में वी शुड बी मोर टॉलरेंट, और फोकस हमारा सिर्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एजुकेशन पर होना चाहिए। आज की दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, आज लड़ाई इकोनॉमिक्स की है, इंसान के जहन की है। ये जहन अगर दुरुस्त डायरेक्शन में निकल गया तो उसके लिए इस दुनिया के अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर ये मनकुलात तावीज गंडों के अंदर फंस गया तो फिर आगे अंधेरा ही है। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये सवाल होता है कि आज मुसलमान क्यों इतना पीछे है, आज मुसलमान क्यों इतना परेशान है, आज मुसलमान। तो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि असल में मुसलमान, और मैं अक्सर ये देखता हूँ, मैं अक्सर के मेरी कईयों से किसी से बात होती है ना, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, बस हम ही सब कुछ हैं, हम ही दुरुस्त हैं, हम ही बेस्ट हैं, हम ही बस एक ख़ास कौम है। इसके अलावा दुनिया का वो इंसान जो करोड़ों लोगों को खाना खिला रहा है, हिंदू या ईसाई, दुनिया जहाँ की खिदमत कर रहा है, दुनिया जहाँ के लिए कुछ ईजाद कर रहा है, वो उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। और हम एज ए मुस्लिम हैं तो हम ही सब कुछ है। ये हमारी सोच ने ना हमें बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन एक हकीकत मुझे अच्छी लगी जो बता रहे थे इसमें। अच्छा, आपको बताना शुरू कर दूँ कि थोड़े अरसे बाद जब आप अपनी गैदरिंग में बैठोगे ना, तो आप उनको थोड़ा खुटकोगे जब आप उनसे बातें करोगे ना, ये वाली बातें वाली बातें कि यार हमें अपनी सोच, क्योंकि हमारा आसपास एक ही सोच है, लेकिन जब आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगी कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं था हकीकत दुनिया की क्या थी, हम अपने आप को क्या समझते हैं। कहते हैं मजहब एक प्राइवेट चीज़ है, मजहब आपकी ज़ातियात है। एक शख्स कह रहा है कि यार मतलब आप हिंदू हो तो बस इसलिए हमें, एक वीडियो हमने देखी थी शायद पहले, पंजाब की साइड पे ऐसे हेयर ड्रेसर हैं जो हिंदुओं के बाल नहीं काटते। ऐसा क्यों? तो बोला आप क्यों? बोला बस मैं क्यों? बोला मैं क्यों काटूं? बोला हिंदुओं के बाल हम नहीं काटते, आगे चले गए। ब्लॉग बना रहे थे पंजाब में, ऐसा नहीं। तो ये हमारी सोच है कि हमने हिंदुओं को या दूसरे मजहब को इंसान ही नहीं समझा हुआ। यार इंसानियत से बड़ा जो है ना वो कोई और काम ही नहीं, इंसानियत से बड़ी कोई मेराज ही नहीं। इस्लाम में भी ये देखो, सबसे पहले इंसानियत का ही सबक, इंसानियत का ही दर्स दिया गया, और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर ये मजहब बाद में आता है, पहले इंसान आए दुनिया में। कहाँ से हमारे जहन में ये चीजें आ गई थी? क्या वजह है कि हमने ये अपने आप को क्या समझ लिया? ये प्राउड भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ एक अपनी सोच बदल लेना तो हम कहाँ से कहाँ चले जाए, लेकिन ये सोच ही नहीं बदलते। अब सही बोल रहे हो, आपके आपने जैसे बताया कि पंजाब में जिसने हिंदू ने बोला कि यार आप हिंदू हो तो मैं अपने बाल नहीं काटूंगा, इस तरह काफ़ी रेस्टोरेंट में देखा है कि यार कुछ लोगों को बैठने तक नहीं देते। अच्छा। आप रेस्टोरेंट में आए हो ना तो हिंदू हो तो मतलब काफ़ी। अच्छा। मतलब टिकटॉक पे और मतलब बताया दोस्तों वगैरह ने कि इस तरह से भी लोग रिएक्ट करते हैं। यार देखो जो भी है, कोई भी मजहब हो, लेकिन इंसान तो है, दिल तो है, लगता तो है, दुखता तो होगा। सबसे पहले इंसानियत है, मजहब बाद में। बिल्कुल मैं कहती हूँ आप किसी को कुछ बोलने से पहले वो इतना सेकंड अपने ऊपर रख के देख लेगा कि अगर मैं उसके सामने मैं होता और मेरे साथ इस तरह रिएक्ट हो रहा था
तो मुझे किस तरह की फीलिंग आती, तो आप कुछ नहीं बोलोगे और अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे। उनकी नजर में उनका मजहब बेस्ट है, हमारी नजर में हमारा मजहब बेस्ट है। ये एक हाँ बिल्कुल, आपने ये कहा प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, आप इसको प्राइवेट रखो, बाकी मतलब वो इंसान ही नहीं जिसमें इंसानियत ना हो। इंसानियत तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, बिल्कुल यूनिटी के साथ एक सोच को बदलने की जरूरत है। 96% जिस कंट्री में मुसलमान है हमारे में, तो हम लोगों ने अपने आप को एक अलग ही माशरा बना दिया। हमने जिंदगी में दुनिया में कुछ बनाया ही नहीं, कुछ हमने कुछ ईजाद नहीं किया। हम दुनिया की चीजें ईजाद करें उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, जिनके लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, हम जिनके मोबाइल यूज कर रहे हैं जिनके बनाए हुए उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, हम पेप्सी कोका कोला बैन करके। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई भी कौम किसी भी मजहब का बंदा वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हक बनता है। जैसे कि ऐसे ही ताल्लुकात अच्छे होते हैं। अभी इन्होंने बोला कि गजा के लिए कोई भी नहीं उठा, जो कि हमने भी देखा, इतनी मासूम जान है यार। वही वाली बात है कि हर मुसलमान कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अगर उसने इसराइल के अमेरिका के खिलाफ बात की तो फिर वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुसलमान इतने मजबूत है ही नहीं कि किसी कंट्री के खिलाफ बात कर सके। तारिक लेकिन एक बात है, हमारे नबी ने भी हमें दर्स दिया और कुछ गॉड गिफ्टेड भी है ये हम में। मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम अगर किसी और मुल्क में भी देखते हैं, अभी तो चले फलस्तीन में हो रहा है, वो मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, हमें उनकी बहुत लग रही है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये किसी और मुल्क में किसी के भी साथ हो रहा होता गलत है, हाँ बिल्कुल नहीं, जहाँ कहीं गलत हाँ है, तो उसको गलत बिल्कुल को गलत हिंदू मजहब में, ये पारसी मजहब में, ईसाई मत में, कहीं भी बच्चों के साथ, बूढ़ों बच्चों औरतों के साथ कुछ भी गलत हो रहा होता तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मुसलमान यहाँ अपनों के लिए ही नहीं उठ रहे, बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ आकर हम बहुत दब जाते हैं, पता तो नहीं बहुत ही जबरदस्त वीडियो भाई की जितनी तारीफ की जाए, बिल्कुल बिल्कुल ये लोग देखें ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा सा सेट हो। तो बिल्कुल हमारे तो बस 24 घंटों से बाहर नहीं निकलते। अच्छी बात करी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।